काबुल एयरपोर्ट के करीब पेश आया बम धमाकों में कम से कम 13 लोग हलाक होने की इत्तला है। जो बेशतर अफराद अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद एयरपोर्ट पर जमा हुए थे ताकि वो दूसरे ममालिक रवाना हो सके। गौरतलब है कि मगरबी हुकूमतों की जानिब से जारी करदा इंतबाह की कुछ देर बाद ही धमाके हुए हैं और लोगों को वहाँ से दूरी अख्तियार करने पर जोर दिया गया है। बताया गया है कि मेलुकिन में बच्चे भी शामिल हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि इन धमाकों में बेशतर यूएस मैरिन और अमरीकी अफवाज के अहलकार मौजूद हैं। पेंटागन से जारी बयान में कहा गया है कि अबे गेट के करीब धमाका हुआ जिसके बाइस बेशतर अमरीकी और दीगर शहरी हलाक हुए हैं। इन धमाकों में मेलुकिन की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी हुकाम ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले धमाकों के लिए ISIS के को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब तालिबान ने एयरपोर्ट के बाहर होने वाले धमाकों की मजम्मत की और इन धमाकों के लिए अमरीकी अफवाज को जिम्मेदार ठहराया है। वादा रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल एयरपोर्ट पर आवाम का काफी हुजूम जमा है।